हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल स्काईको स्टूडियो। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप स्काई को चेंज कर सकते हैं यूजिंग फिल्मोरा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आप अपने फिल्मोरा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, उसके बाद जो वीडियो है उसको टाइमलाइन पर इंपोर्ट कर लेना है। मैंने ये वाला वीडियो अपने टाइमलाइन पर इंपोर्ट कर लिया। अभी इसको थोड़ा प्ले कर देता हूँ कि वीडियो कैसा है मेरा। अभी आप इफेक्ट्स पैनल में जाना और सर्च करना है इमेज मास्किंग। इमेज मास्किंग को आप उस वीडियो पर अप्लाई कर देना है और वीडियो इफेक्ट्स में चले जाना है डबल क्लिक करने के बाद। और उसके बाद आपको बहुत सारी शेप दिखाएगा जो इमेज मास्किंग के अंदर है, और आपको इनमें से कोई भी चूज नहीं करना है। आपको एक कस्टम मास्क बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको बैक कर लेना है। और यहाँ पर जो स्नैपशॉट है, मैं ये वाला क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्नैपशॉट ले जाता हूँ इस पिक्चर का, वीडियो का। तो अब हमें क्या करना है कि कोई भी फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन को अपना ओपन करना है जिसमें सिलेक्शन टूल हो। तो मैं फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ, तो मैं फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर सिलेक्शन टूल पर क्लिक करके स्काई को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने स्काई को सिलेक्ट कर लिया है। अभी क्या करना है कि जो इस वाला एरिया जो रह गया है ना, तो उसको हमें सिलेक्ट करना है। तो फोटोशॉप में एक ऑप्शन है सिलेक्ट एंड मास्क का, उस पर क्लिक करके ये जो बाकी एरिया रह गया था उसको आप क्लिक कर लेना है, मतलब सिलेक्ट कर लेना है। मैं थोड़ा ये साइज बढ़ा देता हूँ, ये देख सकता हूँ मैं ये जो बाकी रह गया था एरिया उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये भी थोड़ा चला जाएगा उसमें शायद ना, तो ये भी सिलेक्ट करके अभी यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है, उसको भी हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो ओके पर क्लिक कर लो। अब हमारा स्काई सिलेक्ट हो चुका है। अभी हम क्या करना है कि यहाँ पर जो प्लस आइकन है उसी पर टैप कर लेना है और बैकग्राउंड को हमें अलग कर देना है। अभी ब्रश टूल के मदद से हम ब्लैक कलर का ब्रश चूज करेंगे। ब्लैक कलर का चूज करके यहाँ पर ब्रश कर देंगे पूरी स्काई एरिया में जो है वहाँ पर हमें ब्लैक कलर चूज कर लेना है, क्योंकि मास्क जो है वो ब्लैक कलर का अप्लाई होता है। अभी करते हैं, सभी को अच्छी तरह से अप्लाई कर दो। अभी बैकग्राउंड को आपको ऑफ करके और जो फाइल पर चले जाना है, फाइल पर आपको सेव एज में क्लिक करना है और सर्व टू कंप्यूटर। आप कोई लोकेशन चूज कर लो जहाँ पर आप रखना चाहते हैं वाला PNG को। इसको PNG फॉर्मेट में सेव कर देना है, हमेशा इधर करना है, इसको PNG फॉर्मेट में सेव कर देना है। अभी क्या करना है कि हमें फिल्मोरा को ओपन कर लेना है। फिर पैनल में जाकर आपको इंक्लूडिंग में इमेज मास्किंग को फिर से अगेन से सर्च करना है और इमेज मास्किंग को आपको उसी क्लिप में फिर से अप्लाई कर देना है। तो अभी डबल क्लिक करेंगे हमारे वीडियो के ऊपर और वीडियो इफेक्ट्स में चले जाएंगे। इसमें जो हमने इमेज मास्किंग जो अप्लाई किया था, अभी वो वाला कस्टम मास्क को हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं जहाँ पर हमने PNG फाइल को सेव किया था, उधर चले जाना है। ये वाला PNG फाइल मैंने सेव किया था, तो इसको ओके करके नीचे वाले नीचे थोड़ा चले आना है। ये वाला देख सकते हो हमारा जो PNG है वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है। अब इसको डबल क्लिक करके इन्वर्ट मास्क कर देंगे, क्योंकि हमें स्काई को इन्वर्ट करना है। ओके क्लिक कर देना। अभी हमें क्या करना है कि स्काई जो स्काई चेंजिंग है वो स्काई का एक क्लिप आपको इंपोर्ट करना है। आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, और हमेशा याद रखना जो स्काई का जो स्काई वीडियो होगा वो आप नीचे रखना हमेशा, मतलब क्लिप के नीचे जो वाला क्लिप आप एडिट करने वाले। आप गूगल से या कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो स्काई चेंजिंग का वीडियो है। तो इसको हमें थोड़ा एडजस्ट कर देना, कौन सा पोजिशन में आपको ठीक लगेगा उसी पोजिशन में आपको रख देना है। मुझे तो यहाँ पर ठीक लग रहा है शायद, अभी यार ठीक से रह गया ना। अभी इसको थोड़ा कट कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो रहा है हमारा स्काई चेंजिंग का। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा स्काई चेंजिंग जो है वो अप्लाई हो चुका है। अभी आपको क्या करना है कि एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो के ऊपर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता देना। और सॉरी यार, मुझे थोड़ा हिंदी नहीं आता है क्योंकि मैं बेसिकली ओडिशा से हूँ, तो हिंदी मेरा बहुत ख़राब है। तो अगर आज का वीडियो के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आता है आपको तो कमेंट में बता देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल, वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल और फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल अपने चैनल पर लाने वाला हूँ, और मोबाइल पर कैपकट और बहुत सारे काइनमास्टर और फोटोशॉप जितने सारे एप्लीकेशन है उसमें ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर देना गाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए। और क्या बोलूँ, बाय बाय।